तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार सुबह के बज रहे हैं 6:45 और आज मेरे पास RS 100 BS6। तो जैसे कि आपने इसके पहले सारे सिनेमेटिक एंजॉय कर लिए, आज मेरे पास ये गाड़ी, तो सोचा इसका रिव्यू करते हैं आप लोगों के लिए। तो चल रहे हैं, सबसे बाकी चेक करते हैं इसकी पावर को, बाकी तो फिर चलते हुए आपसे बात करते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, सेकेंड गियर दिखती है, बड़े ही मतलब काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ी इसने, वो बात मैं मानता हूँ। यार पावरफुल अभी ये भी है, इसको यार प्लीज कम मत समझना, कोई भी ये मत कहिएगा कि BS6 जो है वो कि इतनी कम पावर हो चुकी है, ये मत कोई कहिएगा। सेवन तो यहीं पे टच कर दी मैंने, क्योंकि फिलहाल गाड़ी पावरफुल भी है अच्छी खासी। पावरफुल मशीन ब्रो, यार जो लोग कहते हैं RS 100 BS3 से BS6 वाली काफी ज्यादा मतलब ऐसी हो गई, मेरे को वैसे चलाने में तो नहीं लगता, बस एक दो प्लस कम हो गई है, क्योंकि ये वाली 24.2 BHP की पावर अब इसमें कर दी गई है। BS3 में शायद से 26 आती थी, इसका मुझे कंफर्म नहीं, ये तो आप जाके चेक कर लेना। इसकी मैं बता रहा हूँ जस्ट जो 24.2 BHP की पावर है, बाकी तो यार मुझे चलाने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि थोड़ी बहुत कम। हाँ टॉप एंड में कह सकता हूँ, टॉप एंड में ये उससे थोड़ी कम है, पर यार ब्रो जो भी लेगा तो उसको हर बार टॉप एंड थोड़ी ना करना पड़ेगा भाई। एक मतलब मेरी तरफ से फुल 100 एंड 100 भाई, 10 out of 10 है इस गाड़ी के लिए, बहुत सही है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, 1% भी इसमें कोई वो नहीं, शिकायत नहीं कह सकता मैं गाड़ी के बारे में। मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, मतलब जो मेरे को भी इतना ज़्यादा राइड से वो है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी जो है वो पसंद आई है। तो यार बाकी तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट्स में थोड़ा बताना मेरे को कि आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी, सिनेमैटिक कैसी है, मैंने स्टार्टिंग में दे दिए थे। बाकी तो चलते हुए देखो चला ही रहा हूँ, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी बातें और चलते हुए मैं बताता हूँ कि मुझे इसका राइडिंग पोस्टर एक नंबर भाई, नहीं 20 है 20, नेक्स्ट लेवल 20 है, कह ही नहीं सकता इसमें कोई चीज़ की भी मुझे वो लग रही है। ब्रेकिंग भाई डुअल चैनल ABS हो चुका है, नो डाउट ब्रेकिंग उसमें कोई वो नहीं है। ये देखो थर्ड गियर पे गाड़ी खींच रहा हूँ, कितनी तेज पुल हो रही है, देख रहा हो मतलब यार गाड़ी की पावर को देखो भाई, थर्ड गियर पे अभी की थी, जैसे कि थर्ड गियर में भी कितना अच्छा वो करा। अब एक बार सेकंड गियर पे भी हल्का से देखते हैं, पर पहले सिग्नल को क्रॉस करेंगे, पहले सिग्नल क्रॉस करते हैं, सिग्नल क्रॉस 100 मोड तक खींच रहा हूँ गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो 100 मोड है। तो भाई देख रहे हो मतलब गाड़ी का, मतलब एक हाथ से ही मैंने पूरी गाड़ी को फुल करा, गाड़ी ने ये नहीं कि हल्की सी भी वॉबल हो, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यार। BS6 हेड्स ऑफ है भाई, और भाई क्या हाल है, चलो BS6 को मैं कहूँगा भाई साहब एक नंबर गाड़ी, भाई एक नंबर। बाकी मैं इसको खड़ा करके थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें बताता हूँ अपने, पहले चलते हैं मोहल्ले में, वहीं चल के इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और जो इनके ओनर हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि उनका थोड़ा सा क्या कहना है इस मामले में, वो भी थोड़ा बहुत बताएंगे। तो जैसे कि गाइस आपने पूरी वीडियो में देख लिया, इसके पावर फिगर सब चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, और पहले से भी गाड़ी मेरे को तो भाई बिल्कुल नहीं लगा कि थोड़ी सी भी इसमें पावर कम है, लेकिन वहीं 1 या 2 BHP की थोड़ी सी पावर ड्रॉप करा गया है RS में भी, लेकिन भाई चलाने में बिल्कुल नहीं लगा, जैसे कि आप देख रहे हो मैं एक हाथ से भी खींचे, ना ही कोई दिक्कत गाड़ी में, बड़े आराम से सेकेंड गियर पर कितनी तेज 58 ये भी मैंने देखी, सेकेंड गियर पर 58 गई है, तो ये भी बेस्ट है। 0 to 60 कर नहीं पाए क्योंकि रोड उतनी सही नहीं थी, लुक आप पूरा देख सकते हो गाड़ी का यार, RS 100 के तो ऐसे भी लुक इतना प्यारा लगता ही है। बाकी एक बार मैं आपको इसके ओनर से मिलवा देता हूँ, तो थोड़ा बहुत वो उनसे भी पूछ देते हैं कि क्या है इसके कहने पर, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा चलाया, तो उनसे भी थोड़ा बहुत बातें पूछते हैं।
भाई आपसे मुझे ये चीज पूछनी थी यार, गाड़ी को होना तो आपको मतलब गाड़ी को जब मेरी सीखने के लिए और कैसे का आपको इसकी बारे में जिसका थोड़ा बहुत हमें बताइए ताकि हमारी जो पब्लिक है वो भी जान सके कि जो बाइक के ओनर है वो भी थोड़ा बहुत अपना रिव्यू दे दें। मैंने तो अभी अभी करा, आप थोड़ा बताइए आप चलाते हो डेली गाड़ी। मैंने बड़ी सेफ्टी के लिए मॉडल है जो कि मैंने जनवरी में लिया था जी। और गाड़ी की बात करें तो रेसिंग बाइक है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, नेकेड स्पोर्ट है, कम्फर्ट भी है और रेसिंग स्पोर्ट्स भी हो जाता है, इसलिए मैंने ये गाड़ी लिया था, ठीक है। और दूसरी बात पावर की बात करें तो पावर सफिशेंट है 200 cc हिसाब से। आप सर ये पूछना था जैसे इस सेगमेंट में NS 200 भी है, अपाचे 200 भी, तो आपने इसी को क्यों चूज करा? RS 200 का मतलब किस बात ये आपका अच्छा लगे कि लुक्स में कि पावर के में? इसी मैंने लुक्स के लिए लिया था। लुक्स इसमें अच्छा था, LED ये मिल रहा था, ठीक है। NS 200 में LED नहीं मिलता था और NS 200 में ज़्यादा ये भी नहीं है इसके बारे में, वो भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी पतली लगती है। हाँ पतली लगती है इसलिए मैंने बाकी। जैसे आप टायर्स के जो अलॉय जो पेंट देख रहे हो ये भी बजाज ने जो कि चेंज कर दिया है, जो पहले की ब्लैक ही आते थे अब इसमें थोड़े से मतलब ग्राफिक चेंज करी गई है, व्हाइट कर दिया गया है सामने भी वैसे व्हाइट। और डुअल चैनल पे जैसे कि मैंने आपको बताया भाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एक नंबर हो चुका है गाड़ी का, जैसे कि अभी 0 to 60 भी बाइक जरा टेस्ट करेंगे तो उसी में ब्रेकिंग पे भी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए जैसे कि आपने पूरी वीडियो देख लिया, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और भाई के फेसबुक का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो भाई को भी जाके फॉलो करना। और यार मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।